फिर से प्रश्न एक पूछती हूँ। आज का प्रश्न, देहाध्यास किसे करते हैं? देह का अध्यास, अभ्यास में अध्यास, कहती भाई आज तो अब ये अंतर्मुख न तो सही हो गया तो विचारी न तो चलो केटी भाई की से गलत है केटी भाई मुझे ना मैं क्यों नहीं था देह की वही जो कहे विचार था ना देह पर के एक ममता हो गई देह पर के नहीं क्या हो मुख्य है ना मटे देह थी पास पास में देह जो है मतलब देह थी बाहर कहे विचार ही ना जाने ना होता है तो देह से એટલે હું થાય કે પોતે તો બીજા ના એવા છે એના વિશે ક્યાં વિચારે છે પોતાના લે એટલે શરીર પ્રતિ એની મમતા આ મમતા કે કે આસક્તિ આસક્તિ ભયંકર આસક્તિ ની આસક્તિ આવે ક્યાંથી આસક્તિ ક્યાંથી આવે મન મન મનમાં કે હા એટલે અહંકાર છે ને આપણો હું હું છે ને હું પણ એ જ આસક્તિ છે અને આપણે जन्म लीधो जन्म मिल गया आपको ठीक है फिर धीरे धीरे बच्चा होता है तो उसको मालूम नहीं कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ कुछ नहीं मालूम होता हम उसको सिखा दिए तेरे हाथ है तेरे नाक है तेरी आँख है वो तो ऐसे ही भावात्मक हंसता है खेलता है आहार निद्रा भय अनुभव करता है मैथुन अनुभव नहीं करता आहार निद्रा भय बच्चा धीरे धीरे हम उसको उसी के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं उसका नाम रखते हैं ना लड़की होती है तो रंजना के ऐसा कुछ नाम रखते हैं लड़का होता है घनसुख पहन सुरेश पहन रखता है तो वो धीरे धीरे समझने लगता है सुरेश कौन है तो बोलते मैं ऐसा करेगा ना मम्मी कहाँ है तो तुरंत बताएगा और स्त्रियों को नहीं मम्मी बताएगा वहां से अध्यास शुरू होता है पहला अध्यास देहाध्यास शुरू होता है रंजना कहाँ है तो बोलते रंजना का हाथ कहाँ है तो ऐसे खड़ा कर देता है क्यों तो ये अध्यास इतना बंधन रूप हो जाता है धीरे धीरे वो डेवलप होते होते शरीर तो डेवलप होता जाता है बच्चा होता है फिर युवा होता है फिर बूढ़ा होता है फिर मर जाता है तब तक देहाध्यास बढ़ता ही जाता है घटता नहीं है तो साधन में हम क्या करते हैं देहाध्यास को घटाना नहीं यानी क्या अहंकार को धीरे धीरे डिफ्यूज करते जाते हैं तो और एक प्रश्न है कि हम वर्तमान में तो देहाध्यास के साथ जिंदा रहते हैं जहाँ जाते हैं कौन जाता केटी भाई चला जाता चलो केटी भाई को बुलाओ तो केटी भाई बूम लगाओगे तो आएगा और कोई नहीं आएगा तो ये देहाध्यास जरूरी है ना संसार में देहाध्यास के बिना तो आदमी अहंकार के बिना तो नहीं रह सकता तो अहंकार और देहाध्यास जीवन जीने का माध्यम है तो हम बोलते हैं देहाध्यास से पर हो जाओ तो कैसे जीवन जिए अहंकार डिफ्यूज कर दे तो कैसे जी सकते हैं जी और एक प्रश्न मेरा है कि भी ध्यास इतना वो संगठित यानी सघन होने ये सब लोग सोए हुए तो हम बोलेंगे हेतर उठे हेतर जरा उठो तो हेतर ही उठेगी वंदा नहीं उठेगी तो इसका मीनिंग क्या होता है कि ऊंघ में भी देहाध्यास रहता है ना ऊंघ में भी देहाध्यास रहता है तो स्वप्न में रहता है या नहीं बताओ ये प्रश्न आपकी ओर है रहता है ऊंघ में देहाध्यास रहता है वर्तमान में भी रहता है अहंकार तो साथ में ही साथ जब तक अहंकार है तब तक देहाध्यास उसमें हम प्लस करते जाते हैं डॉक्टर बन गए वकील बन गए बड़ा प्रधान बन गए तो मैं ही बन गया ऐसी बात है ना तो देहाध्यास हम सघन करते जाते हैं लेकिन ऊंघ में भी देहाध्यास है इसलिए तो हेतल उठो तो हेतल ही उठेगी वंदना नहीं उठेगी रंजना नहीं उठेगी ऊंघ में भी देहाध्यास तो चालू ही है तो स्वप्न में देहाध्यास होता है या नहीं होता है होता है तो ऋषि का प्रमाण क्या है स्वप्न में हम कभी कुछ देखते हैं ना तो हम अपने आप को ही देखते हैं तो दूसरे को हम नहीं देखते बात तो सही है स्वप्न में लेकिन वो देहाध्यास है लेकिन कैसा है काल्पनिक देहाध्यास हम सपने कभी ऐसा देखते हैं ना कि मैं मर गया मैं मर गई मैं वहां चला गया वहां चली गई वो देखते हैं ना तो काल्पनिक है क्योंकि स्वप्न में प्राण शक्ति काम करती है मन भी काम करता है लेकिन शरीर काम नहीं करता
स्वप्न आता है तो हम अमेरिका चले गए, सशरीर तो नहीं जाते हैं ना, तो काल्पनिक देहाध्यास हम उत्पन्न कर लेते हैं। तो काल्पनिक देहाध्यास से हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में काल्पनिक देहाध्यास से सब काम करते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब स्वप्न टूट जाता है तो क्या होता है, जागृति आ जाती है ना, बहिर्मुख होते हैं हम, तो बहिर्मुख फिर ये देहाध्यास वास्तविक देहाध्यास हो जाता है, वो काल्पनिक देहाध्यास है। तो काल्पनिक देहाध्यास और वास्तविक देहाध्यास से ऊपर उठना है। तो वास्तविक देहाध्यास से ऊपर उठने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें जागरूक रहना पड़ता है कि भाई हम डॉक्टर है, हम सुरेश नाम के डॉक्टर है, तो धीरे 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 डिफ्यूज होना चाहिए हम मानव पहले, तो फिर धीरे धीरे हम सब साधन में हमें समझ में आ जाता है भाई मन अहंकार सब करवाता है, इसी से छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। इसलिए गुरु की शरण में जाते ध्यान ध्यान धीरे धीरे कम होने लगता है साधन करने से, शक्ति जब जागृत होती है तो ध्यान ध्यान अपने आप धीरे धीरे कम होता है, लेकिन 2 दिन में कम नहीं होगा, 3-4 जन्म के बाद ध्यान ध्यान छूटता है। तो जो स्वप्न का ध्यान ध्यान है तो वो तो जागृति आते ही टूट जाता है, क्योंकि काल्पनिक है ने? देखो कल्पना में भी ये ध्यान ध्यान कितना काम कर देता है, 1 सेकंड में अमेरिका चला जाता है, देह के साथ चला जाता है ना, तो देहाध्यास काल्पनिक है। और कुछ ना कुछ बड़े काम भी कर देते हैं, लड़ाई भी किसी के साथ कर देते हैं, किसी के साथ झगड़ा ठंडा भी साथ करके, वहाँ भी अहंकार तो चालू ही रहता है। तो स्वप्न सुसुप्ति और जागृति से ऊपर उठना है, उसे वो जो स्टेटस है वो स्थिति है, वो आत्मज्ञान की स्थिति है। एक और प्रश्न बताती हूँ कि जो आध्यात्मिक शक्ति है और भौतिक की शक्ति है उसमें क्या अंतर है, आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक की शक्ति, पहले तो भौतिक की शक्ति क्या चीज है वो समझ लेना, वो बताओ। दिन दिन प्रतिदिन जो कहीं अपना प्रवृत्ति करो सतत का 24 आवर का अपना शरीर चलाओ मत जीवन चलाओ मत जीवन सतत बढ़े। तो हमारे पास साधन सामग्री है ना विज्ञान की, जो है भौतिक की साथ जैसे कि हमारे यहाँ फैन लाइट यही ना, फैन लाइट हमें बड़ा का बड़ा भौतिक साधन हम देखे, यहाँ से देवास जाना है हम प्लेन में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे जाएंगे ना, तो वो भौतिक ही साधन बनाया हमने, तो उसकी शक्ति भी ऐसी है। लेकिन भौतिक की शक्ति के सामने आत्मशक्ति अध्यात्म शक्ति दोनों में फर्क क्या होता है, क्योंकि भौतिकी जो साधन है वो शक्ति आत्मशक्ति से किस तरह भिन्न है, उनके जो गुण है वही हमारे में नहीं है, नहीं है ना, तो फर्क पड़ेगा ना। जो कुकर सीटी बजा के हमारा अनाज पका देती है वो भौतिकी साधन सामग्री है, तो शरीर से हम अनाज नहीं पका सकते, पका सकते चलो ऐसे चावल भीतर डाल दो तो पक जाएगा, चटनी से पक जाएगा, लेकिन उसी में और चावल पचता है और कुकर में चावल बनता है तो उसमें फेर तरफ भेद रहता है ना, फर्क रहता है ना। तो कौन सी शक्ति है वो चढ़ी आती है, शक्तिमान ज्यादा है, कौन सी शक्ति ज्यादा, शक्ति है लेकिन एक परमात्मा की ओर ले जाती है, हाँ एक बहुत बड़ी शक्ति है, जड़ शक्ति है, जड़ क्रांति की ओर नहीं ले जाती है। और अध्यात्म शक्ति सबसे ऊपर उठी, ऊपर ऊपर है, क्योंकि जब आध्यात्मिक शक्ति यानी कि आत्मशक्ति, आत्मशक्ति नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, इधर से आत्मशक्ति निकल जाएगी तो क्या होगा, शरीर मर्दा हो जाएगा, जड़ हो जाएगा ना, वो ऐसे हिल भी नहीं पाएगा। तो आत्मा जो भौतिक की शक्ति है उसी में कार्य कारण के नियम के अनुसार हम कुछ उनसे काम लेते हैं, क्योंकि हमारे बुद्धि शक्ति से ये बनाया है ना, ये तो ऊपर से स्वाभाविक स्वभाव जो है आत्मज्ञान जिस बोलते स्वभाव बींग ने, उसी से सब नीचे आया है। जब तक ये शरीर में प्राण रहेगा चित्त शक्ति रहेगी तब तक ये काम करेगा, सभी भीतर से ही आया है, हमने वराह इंजन बनाया तो दिमाग से ही आया है, लेकिन जो प्रकृति है उसी के नियम को हमने खोज लिया और नियम के अनुसार ये साधन बनाया। तो सबसे उत्कृष्ट शक्ति है आत्मशक्ति, तो इसलिए आत्मशक्ति को जानने की जरूरत है।
बार बार सब सुविधाएं बसा लेते हैं तो उसी से सुख शांति तो नहीं मिलता, शायद सुख मिलेगा, शांति तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो सुख और शांति चाहिए तो भौतिक की शक्ति के साथ अध्यात्म शक्ति का विकास होना चाहिए। फैसिलिटीज मिल सकती है, आनंद की स्थिति में जाना है तो आत्मशक्ति तो ज्ञान होती है, भौतिक की जड़ है, आत्मशक्ति चेतन है, तो यही फर्क है। देहाध्यास को जैसे जैसे हम समझ पाते वैसे वैसे ही उनसे छुटकारा प्राप्त करेंगे। वो छुटकारा प्राप्त करने की जो हम प्रवृत्तियाँ करते हैं ध्यान भजन आदि, तो सही बात के शरीर में जो बंधी हुई शक्ति है ना वो भी मर्यादित है ना। शरीर हम उड़ कर थोड़े जा चले जाते हैं अमेरिका, वो भी मर्यादित है, लेकिन भीतर की जो शक्ति है देहाध्यास चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, अहंकार डिफ्यूज हो जाएगा, तो जरूर आत्मशक्ति जहाँ से आई वहाँ चली जाएगी। तो अपने आप आत्मज्ञान की स्थिति में साधक का अनुभव कर लेता है आत्मज्ञान की स्थिति, वो भी एक रास्ता है कि देहाध्यास छोड़ना चाहे। जैसे जैसे देहाध्यास खत्म होगा वैसे वैसे आध्यात्मिक प्रवृत्ति यानी कि आध्यात्मिक शक्तियाँ डेवलप होके प्रकट होगी। जैसे जैसे बादल छटने लगते वैसे वैसे सूर्य हमारे सामने आते, जैसे ही अहंकार छटने लगेगा डिफ्यूज होने लगेगा वैसे आत्मशक्ति आत्मप्रकाश आत्मरूपी सूर्य हमारे सामने आएगा। तो आत्मज्ञान में अड़ता क्या है, बीच में क्या आता है, अड़ा अहंकार अहंकार देहाध्यास, मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ जो ये भेद है वो निकल जाएगा तो देहाध्यास अपने आप खत्म हो जाएगा। अंतिम भेद ही यही है, देहाध्यास है वो भेद छूट जाना चाहिए। मुझे एक अरविंद आश्रम से एक अंबिका प्रसाद के कोई मिले थे, तो मैंने उससे बात की, उसने एक प्रश्न मुझे पूछा था तो मैंने जवाब दिया। मैंने कहा सब भेद निकल जाना चाहिए, सब भेद यानी कि कोई भी विरोधाभास जो स्थिति है ना वो सब भेद में आती है, जैसे काला सफेद, सुख और दुख, उष्ण और ठंडा, ये सब जो द्वंद्व है ना वो सब विरोधाभास भेद में आता है। तो आखिरकार में अंतिम भेद तो क्या है, स्त्री और पुरुष। मैंने कहा स्त्री पुरुष का भेद मिट जाना चाहिए तब ज्ञान अपने आप होना चाहिए, क्योंकि आत्मा स्त्री ही नहीं है पुरुष भी नहीं है। तो शक्ति का अनुभव हो गया तो शक्ति का अनुभव होते ही शक्तिमान का अनुभव हो जाता है। शक्ति को हम पारख लेते हैं तो शक्तिमान को भी हम पारख लेते हैं, वो एक ही है। जैसे फूल और फूल की फॉर्म, अग्नि और अग्नि की दाहकता एक ही है जुड़े हुए, तो वैसे ही शक्तिमान और उनकी शक्ति, लेकिन शक्ति एक बुद्ध रूप से इस शरीर में देहाध्यास बना कर बैठ गई, वो खुद नहीं किया है लेकिन बैठ गई वो उसमें, तो फिर बहिर्मुख हो गई, इसलिए हम शक्ति का अनुभव नहीं कर पाते है। ऐसे तो अनुभव करते ही ना, कुछ लगता है तो तुरंत हम हाथ ले लेते, तो शक्ति का अनुभव तो करते है, लेकिन परम शक्ति जहाँ से आई उसी का अनुभव नहीं होता। बहिर्मुख है ना इसलिए, अंतर्मुख होते होते जो ऋषि मुनियों ने अनुभव किया हम कर रहे हैं, यहाँ से सुषुम्ना से यहाँ तक जाती है शक्ति, तो देहाध्यास अपने आप खत्म हो जाता है, तो शक्ति और शक्तिमान एक हो जाता है तो समाधि लग जाती है। बिल्कुल सीधी सादी बात है, लेकिन 5-10 मिनट में हम कर लेते हैं समझ लेते हैं, लेकिन अनुभूति नहीं होती, क्योंकि कर्म अर्थ संस्कार अर्थ देहाध्यास अर्थ ये सब स्मृति अड़ती है, निद्रा वृत्ति अड़ती है, भूख वृत्ति अड़ती है, सब बीच में ये सब जो प्रकृति है ना, प्रकृति जहाँ तक करी है वो अड़ती है, तो प्रकृति से ऊपर उठ जाता है देहाध्यास खत्म हो जाता है, तब प्रकृति ऊपर उठ जाती है और शक्ति शक्तिमान मिल जाती है।